नमस्कार, आज हमारे साथ है रिटायर्ड वेटरनरी डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर के एस तोमर जी, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मध्य प्रदेश सरकार के वेटरनरी डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से हम आजकल वेटरनरी डिपार्टमेंट में और वेटरनरी के फील्ड में नई नई टेक्निक्स आ रही है, और साथ ही उनके एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल कि आपको वेटरनरी में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे बड़ी बात यह है मैडम कि मैं एक कृषक परिवार से हूँ, और मैंने बचपन से ही पशुओं को, चाहे गाय भैंस बकरी बैल हों, इनको देखा है मैंने, और इनको बीमार होते देखा है और इनको ख़त्म होते देखा है। और मैंने ऐसी स्थितियाँ भी देखी हैं कि जब पूरे गांव के गांव बीमारी आई, चाहे गलघोंटू की बीमारी रही हो या और दूसरी माता महामारी रही हो, कई तरह की ऐसी बीमारियाँ आती रहीं कि जिनमें बहुत पूरे गांव के गांव के जो मवेशी जो है वो ख़त्म हो जाते थे। और किसान जो रहता है उसकी पशुपालन उसकी एक रीढ़ होती है। यदि उसका एक किसान का, जब पहले बैलों का उपयोग ज़्यादा होता था, तो यदि बैल ख़त्म हो गया तो उसकी पूरी खेती जो है बर्बाद हो जाती थी। गाय से जो दूध पैदा होता है, जो घी होता है, तो उन सब से उसका लालन पालन, उसका घर का पूरे खर्चे, ये सब चलते थे। चूँकि धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति तो बन गई कि किसानों के पास खेती लायक ज़मीन बहुत कम रह गई, लेकिन पशुपालन चूँकि हमेशा से करता आ रहा था, तो पशुपालन बहुत आसानी से वो अपना भी सकता है। और पशुपालन करके एक किसान अपने गाँव में, अपने घर पर रहकर ही अपना खर्चा उठा सकता है और अपनी काफ़ी अच्छी स्थिति में रह सकता है। बल्कि मैं तो ये और कहना चाहूँगा कि आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी हो सकती है, कुपोषण से दूर हो सकता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, यदि बशर्ते कि वो अच्छे से पशुपालन करे, वो पशुपालक खेती के साथ साथ। पहले के ज़माने में ऐसा था कि अगर आपका MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप वेटरनरी में जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दौर बदल, लोग अपने मन से वेटरनरी चुनते हैं। तो पहले में और अब में क्या फ़र्क आया है? कहीं ना कहीं पहले तो इस तरह की स्थिति थी, एक तो डॉक्टर्स सही मायने में होते भी नहीं थे, और दूसरे ये जो जनता है उसको ये अंतर ही नहीं मालूम था कि जो कंपाउंडर होता है या चपरासी होता है उसको भी डॉक्टर समझा करते थे वो लोग जो है। लेकिन आज धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोग जानने लगे हैं और लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अपने पशु का इलाज हम डॉक्टर से ही कराएं। और आज आपको आदमी के डॉक्टर तो हर जगह बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जब पशुओं की बात आती है तो पशुओं का फील्ड भी बहुत बड़ा है। बर्ड से आप शुरू कर सकते हैं कि छोटे छोटे पंछी हैं, चिड़ियां हैं, या मतलब मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, सुकर पालन है, उसके बाद गाय पालन, भैंस पालन है, घोड़े हैं, कछुए हैं, लैब एनिमल्स हैं, मतलब बहुत लंबी वैरायटी है जो कि एक जो पशु चिकित्सक है जो कि रोज़ाना दैनिक अपने कार्य में, उपचार में जो है उसकी आवश्यकता होती है। वो केवल न केवल पशुओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, बल्कि वो इस बात का भी ख्याल रखता है कि जो पशुओं से जो बीमारियां जो आदमियों में फैलती हैं उसको रोकने में भी उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है डॉक्टर्स का। तो आज कहीं भी मतलब वेटनरी डॉक्टर्स की स्थिति अच्छी है, पहले के जैसी स्थिति नहीं है, कि चूँकि पहले लोगों को पता ही नहीं होता था, वेटनरी डॉक्टर बहुत ही लिमिटेड संख्या में होते थे, लोग जानते ही नहीं थे, ऐसी स्थिति थी। ऐसा हो गया है कि जैसे आपने अभी बताया कि पहले के ज़माने में डॉक्टर्स को नहीं जानते थे, अभी भी कई कुछ कुछ जगहों पर ऐसा माहौल है कि कंपाउंडर को डॉक्टर समझ लेते हैं, तो वो लोग इलाज भी कर देते हैं फिर उनका। इस चीज़ से कैसे बचे कि हमें इस पर नहीं करना चाहिए, कंपाउंडर से इलाज नहीं करना चाहिए या उसको डॉक्टर नहीं समझना सही चाहिए? सही बात यह है कि जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो नियम निर्धारित किए हुए हैं कि कौन उपचार कर सकता है, और जो उसमें पंजीकृत होते हैं वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जो डॉक्टर्स पर पंजीकृत होते हैं वही उपचार कर सकते हैं, बाकी जो रहते हैं उनको केवल प्राइमरी वैक्सीनेशन वगैरह करने का या थोड़ा बहुत ड्रेसिंग का इसका ही ज्ञान दिया जाता है। तो निश्चित ही यदि हमें इलाज कराना है और सही इलाज कराना है, उसकी सही डायग्नोसिस करानी है या सही उसकी जांचें करानी है, तो निश्चित ही एक पशु चिकित्सक के पास ही जाना चाहिए। ये अवेयरनेस धीरे धीरे टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, लोगों की एजुकेशन बढ़ने से, लोगों के बीच काफ़ी फैल रही है, लोग ये अब समझने लगे हैं।
आप किस स्पेसिफिक जानवर की नस्ल में एक्सपर्ट हैं? नहीं, अब ऐसा स्पेसिफिक किसी जानवर के बारे में आप नहीं कह सकते हैं, हालांकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है ये एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, जो कि जनरली जो बड़े पशु हैं उन्हीं में ही ज़्यादा कारगर होता है। लेकिन मेरा जो फील्ड रहा है, मैं जितना साल जो सर्विस किया हूँ, कहीं ना कहीं मैं लार्ज एनिमल के क्षेत्र में भी मैंने काम किया है, जो AI जो है कृत्रिम गर्भाधान पशु जो होता है नस्ल सुधार के लिए, उसके फील्ड में भी काम किया है, और जो स्मॉल एनिमल्स हैं उसके फील्ड में भी मैंने काम किया है, वाइल्ड एनिमल के ट्रीटमेंट में भी मैंने काफ़ी काम किया है। तो आज 40 साल से ऊपर हो गई मेरे को इस फील्ड में, तो मैंने हर फील्ड में मैंने काम किया है। सर्जरी भी जितना एक सर्जरी का जो स्पेशलिस्ट करता होगा उससे कहीं कम मेरी सर्जरी नहीं रहती है, मैं उनके बराबर की मेरी सर्जरी रहती है, काफ़ी मैं सर्जरी भी करता हूँ। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं सभी फील्ड को मैं टच कर रहता हूँ, मेरे पास सभी तरह के पशु लोग इलाज के लिए आते हैं, लार्ज एनिमल का भी इलाज कराते हैं, चाहे चिड़िया हो, खरगोश हो, चूहे हो, बिल्ली हो, कुत्ते हो, कछुए हो, इनके सभी का इलाज मैं करता हूँ। आपने वाइल्ड एनिमल्स की बात की, हाँ। तो वाइल्ड एनिमल्स में किन किन तरह के, मतलब टाइगर्स हो गए, इन सब का? वाइल्ड एनिमल में तो आपको चाहे लोमड़ी वगैरह भी हो सकती है, गिद्ध वगैरह भी हो सकते हैं, मंकी है, भालू है, हाथी है, शेर है, चीता है, तेंदुआ है, मतलब काफ़ी बहुत लंबी उसमें रेंज है, उनके सब पे हमने इलाज किए हैं। तो किस तरह से, क्योंकि ये कुछ जानवर है जो बहुत डेंजरस होते हैं, हाँ। तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है इलाज करते टाइम? इलाज करते टाइम या तो उनको ट्रैंकुलाइज करती हैं, ट्रैंकुलाइज गन से उनको दूर से बेहोश करके फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, या यदि वो चिड़ियाघर में हैं या जैसे वन विहार में है तो यहाँ पर स्क्वीज केज होती है, उस स्क्वीज केज के अंदर हम वाइल्ड एनिमल को लेते हैं और उसको एक जब उसकी दीवारों को ऐसी एडजस्टेबल होती है कि एक तरफ से ऐसे आके ऐसे नज़दीक होती आती जाती है कि वो जो वाइल्ड एनिमल है कितना भी खूंखार है, शेर चीता कोई भी हो, तो उसके बीच में ऐसे आ जाता है, बिल्कुल फंस जाता है, सीधा खड़ा रह जाता है, उसके बाद ऊपर नीचे से रोड लगा के रस्सी बांध के उसे एक कंट्रोल कर लिया जाता है, उसके बाद सब तरह का इलाज हम लोग उसका कर लेते हैं। किस किस तरह की सर्जरी होती है इनमें? सर्जरी तो जनरली सभी तरह की होती है, चाहे गायनेकोलॉजी की हो, सीजेरियन हो, या पिनिंग करना हो, या हीमेटोमा है, मेमोरी ट्यूमर्स हैं, या स्टलाइजेशन जैसे करते हैं मेल फीमेल का, उनका ऑपरेशन है, ये सभी तरह के ऑपरेशन हमारे यहाँ काफ़ी होती हैं। जैसे कि जो इंसानों के डॉक्टर्स होते हैं, हाँ। अगर हम उनके पास जाते कि हमें ये समस्या है तो हम उनको बता देते हैं, बेजुबान नहीं बता पाते हैं जी, आप कैसे पता करते कि इनको इस चीज़ में दिक्कत है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस जानवर का इलाज करते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं जो ऑनर होता है, उससे सबसे पहले तो ये मालूम किया जाता है कि किस तकलीफ के लिए आप लेके आए, आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें डॉक्टर को दिखाएं, तो कुछ थोड़ा बहुत सिम्टम वो बताता है। उसके बाद हम लोग खुद भी एग्जामिन करते हैं, या कुछ ज़रूरत होती है तो उनकी ब्लड की जाँच है, यूरिन की जाँच है, गोबर की जाँच है, या इन सभी जांचों से या एक्सरे करके, सोनोग्राफी करके ही हम उनकी बीमारियों का पता करते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आप सरकारी सेवा में रहे, हाँ। सरकारी सेवा में फाइल्स का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो हाँ। कैसे मैनेज करते हैं आप अपने चिकित्सा वाले इसको और फाइल्स में एकदम घुसे रहने वाले? निश्चित ही डॉक्टर एक टेक्निकल पर्सन होता है और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एकदम टोटली डिफरेंट होता है। निश्चित ही जब हम डॉक्टर से इस एडमिनिस्ट्रेशन में जब आते हैं तो काफ़ी चेंज होता है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते हमें ये पता है कि हमारे फील्ड में हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हमको किस चीज़ पे कंट्रोल करना है, कैसे काम लेना है, कोई हमको ये नहीं कर सकता है कि गलत बता दे कि हमने ये काम किया और एक्चुअली में उसमें काम ना किया हो, तो ये सब चीज़ हमको मालूम रहती है, तो इस वजह से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा कर पाते हैं। और रही बात फाइल के संचालन की, तो वो उतनी बड़ी बात नहीं होती है, उसमें तो जो स्थितियाँ रहती है वही लिखा जाता है, उसी तरह की चिट्ठियाँ बनती हैं, उसी तरह के निर्देश जारी होते हैं, क्योंकि कुछ समय दिक्कत जरूर होती है जब चेंज होता है, जब कोई भी डॉक्टर एक काफ़ी लंबे टाइम तक केवल चिकित्सकीय कार्य कर रहा होता है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आता है तो निश्चित ही वो परिवर्तन होता है, जिसके कारण वो जो फेज होती है कुछ समय तक उसे सीखने की जरूरत पड़ती है, और निश्चित ही
डॉक्टर होने के नाते इतना तो स्किल होता ही है कि उसमें ढल जाते हैं। इतने सालों के करियर में ऐसी कई टफ सिचुएशन भी आई होगी जिसको आपने ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसको आपने इजीली हैंडल कर लिया हो? हाँ, ऐसी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि उस समय कोई इंटरनेट का ज़माना नहीं हुआ करता था। एक मेरे को आज भी याद है, एक चीफ मैनेजर थे स्टेट बैंक के, वो एक कछुए को लेके मेरे पास आए थे और एक अलग ही तरह का केस था जो कि हमने उससे पहले कभी देखा नहीं था और ना ही कभी हमको पढ़ाया गया था कि उसको फिशिंग हुक खा लिया था उसने। क्या खा लिया था? फिशिंग हुक जो होता है जो मछली जो पकड़ते हैं ना, तो किसी ने मछली पकड़ने के लिए कांटा डाला हुआ और उसमें कछुआ फंस गया। कछुआ फंस गया तो जिन्होंने फिशिंग करने वालों ने उसका धागा काटा, उसको रोड पर फेंक दिया। तो वो किसी आदमी ने जाके उनको दे दिया वो कछुआ, जो चीफ मैनेजर थे स्टेट बैंक के उनको। और वो फिर कई जगह उसके ट्रीटमेंट के लिए गए, वन विहार भी गए, फिश एक्वेरियम गए, पुराने कई डॉक्टर्स के पास गए, क्योंकि वो इतना एक्टिव कछुआ था कि यदि उसके पास जाते थे तो अपनी पूरी बॉडी को वो लॉक कर लेता था। यानी उसके कहीं एक आप सुई नहीं लगा सकते हैं और कैसे तो यदि उसको खींचे के निकालेंगे तो उसका पूरा जबड़ा फट जाएगा, उसको ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक अलग तरह की स्थिति थी और उस समय हम लोगों को ये भी ज्ञान नहीं था कि इसमें कितना एनेस्थीसिया देना चाहिए और कौन सा एनेस्थीसिया देना चाहिए कछुए में विशेषकर। तो उसके बाद भी हमने अपने अनुभव के आधार पर उसको सेडेट किया और सर्जरी करके उसके कछुए का जो हुक लगा हुआ था वो निकाला और वो ठीक हुआ। ऐसी और भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ जैसे आती रही, अलग अलग तरह के केस जब आते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है, हम वेटनरी डॉक्टर्स को ये कभी नहीं पता होता कि किस तरह का पेशेंट हमारे पास आने वाला है, कि कौन सी स्पीसीज़ का आने वाला है। इतनी स्पीसीज़ हैं, इतनी वैरायटी है और एक डॉक्टर से आप अपेक्षा, वेटनरी डॉक्टर से आप सब तरह की अपेक्षा करते हैं। उस डॉक्टर से आप एज ए आई स्पेशलिस्ट भी अपेक्षा करते हैं, आप एज ए ऑर्थोपेडिक्सियन भी अपेक्षा करते हैं, एज ए सर्जन भी अपेक्षा करते हैं, मतलब हर तरह की अपेक्षा आप उससे करते हैं एक वेटनरी डॉक्टर। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट भी आप उससे अपेक्षा करते हैं, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा फील्ड इतना बृहद होता है, वेटनरी डॉक्टर्स के लिए काम बहुत टफ होता है बाकी की अपेक्षा। तो ऐसी परिस्थितियाँ तो अक्सर आती रहती हैं कि जो कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन अपना अनुभव, अपना धैर्य और अपने पढ़ते रहने की बराबर नॉलेज अर्जित करते रहने की जो क्षमता होती है, जो जिज्ञासा होती है, उसके कारण ही हम लोग जो है अपना ये काम को अच्छे से अंजाम दे पाते हैं और जो कठिन परिस्थितियाँ होती हैं उनमें भी। दुग्ध उत्पादन में हमारा देश नंबर वन है, लेकिन फिर भी हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, नंबर वन टोटल मिल्क प्रोडक्शन में है हम नंबर वन, लेकिन जब हम बात करते हैं पर एनुअल प्रोडक्शन की तो उसमें हम बहुत पीछे हैं। आज भी हम बहुत पीछे हैं पर एनुअल प्रोडक्शन में। और ये ऐसा फील्ड है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने का कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। हम आज भी बहुत लोअर लेवल पे हैं, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है मिल्क प्रोडक्शन को। आप इसी प्रकार से ले लीजिए कि आज गांव में या कहीं पे जनरली जो नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप की जो गाय हैं जिनको लोग आवारा छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं कि उनमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है और वही गाय खेतों में नुकसान भी करती हैं और एक्सीडेंट भी होते हैं। यानी जब कोई गाय आधा लीटर, एक लीटर, दो लीटर जब दूध देती है, जो किसान जो उसको खिला रहा है उतना जब उससे पैदा नहीं होता तो वो उसको छोड़ देते हैं या वो इसके ऊपर रहते हैं कि बाहर चढ़ के आ जाएगी, हम घर पे आकर दूध लेंगे, तो उससे मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। यदि वही यदि उसी गाय की यदि हम ब्रीडिंग अच्छे से कराएं, और आज तो बहुत सी टेक्निक ऐसी आ गई हैं कि जो गाय के अंदर जो बच्चा पैदा होगा उसमें गाय का उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो केवल एक फॉस्टर मदर के रूप में होगी और जो उससे पैदा होने वाली बछिया होगी, जैसे गाय यदि दो लीटर दूध दे रही है, हो सकता है उसके अंदर जो बछिया हम पैदा करें ETT के द्वारा तो 20 लीटर वाली बछिया भी हो सकती है। और इसी प्रकार से यदि हम उन्नत नस्ल के सांड से यदि उसे फैलाते हैं या दो लीटर वाली है और सांड हमारा 20-25 लीटर वाला है, तो हो सकता है हम 8-10 लीटर की गाय पैदा कर दें। और यदि किसी भी किसान के पास यदि कोई भी गाय 8-10 लीटर ये दूध देती है तो निश्चित ही उसकी इनकम भी उससे बढ़ेगी, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उसका खान पान भी ठीक होगा, उसका स्टेटस भी सुधरेगा। तो ये बहुत ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा विकास की गुंजाइश है, जिसमें बहुत ज़्यादा काम करने
की गुंजाइश है कि यदि वही गायें जो आधा लीटर एक लीटर वाली हैं यदि वो कन्वर्ट होके 10 लीटर 12 लीटर 15 लीटर 20 लीटर 25 लीटर में हो जाती है तो आप सोचिए कि कहाँ 1-2 लीटर से लेकर 20-25 लीटर 30 लीटर तक अपन जा सकते हैं। आप सोचिए कि जो गिर गाय जो हमारे देश की थी हमारे यहाँ से जो ब्राज़ील में जो लेके गए हमारा प्रोडक्शन कम रह गया और उन्होंने उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया 35-35, 40-40 लीटर दूध एक गाय से एक दिन में ले रहे हैं। आप सोचिए कि इस फील्ड में कितनी ज़्यादा गुंजाइश है, इसमें काम करने की बहुत ही आगे गुंजाइश है कि जिससे कि देश का प्रदेश का क्षेत्र का गाँव का मतलब बहुत अच्छे से विकास हो सकता है। जो लोग गाय भैंस पालते हैं या और भी जो दुग्ध उत्पादन वाले जो जानवर पालते हैं वो अपने इस बिज़नेस को कैसे ग्रो करें? देखो दो तीन चीज़ मोटी एक थंब रूल होते हैं जो हमें एक तो ब्रीडिंग पर हमें ध्यान देना है कि जब भी उसको गाय को फलाएं तो उन्नत नस्ल के सांड से ही फलाएं या आजकल तो ऐसी भी टेक्निक आ गई है कि हमें यदि बछिया चाहिए तो केवल बछिया पैदा होंगी जो बछड़े हैं जिनकी आज उपयोगिता बहुत कम रह गई है चूँकि अब बैलगाड़ी नहीं है आज खेती जो है बैलों से नहीं होती ट्रैक्टरों से होने लगी है तो उनकी उपयोगिता कम हो गई तो हम केवल बछिया भी पैदा कर सकते हैं मतलब ये एक तो काम ये भी वो कर सकते हैं ब्रीडिंग का काम हो गया। दूसरा फीडिंग हमें उन्हें बैलेंस राशन देना है यदि हम संतुलित पशु आहार देंगे उसको मिनरल मिक्सचर देंगे हरा चारा देंगे तो निश्चित ही उसका दुग्ध उत्पादन भी अच्छा होगा। इसी प्रकार से वैक्सीनेशन यदि हम जो बीमारियाँ फैलती हैं जिनसे कि बहुत ज़्यादा पशुओं का नुकसान होता है यदि उनके पहले से समय से टीके लगाते रहेंगे तो वो बीमारियाँ नहीं आएंगी और उस किसान को नुकसान नहीं होगा। तीसरी चीज़ होती है कि डिवर्मिंग करना यदि पशुओं के पेट में यदि कीड़े रहेंगे कृमि रहेंगे तो निश्चित ही उनको जितना दुग्ध उत्पादन देना चाहिए वो उतना दुग्ध उत्पादन नहीं दे पाएंगे अपने मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल पर वो नहीं पहुँचेंगे तो उनको ये भी करना चाहिए कि टाइम समय से उनको बराबर डिवर्मिंग यानी कृमिनाशक औषधियाँ भी उनको दें मिनरल्स उनके फीड में ज़रूर होना चाहिए जिससे कि जो उनकी ब्रीडिंग साइकिल है वो नॉर्मल चलेगी। कई बार होता क्या है कि किसान ये ध्यान देता ही नहीं है कि उसकी गाय ने बच्चा दिया और 6-6, 7-7, 8-8 महीने तक वो गाभिन नहीं हो रही है तो परवाह नहीं करता है तो इससे उसका नुकसान होता है। यदि वो 2-2.5 महीने में ही यदि गाभिन हो जाती है तो निश्चित ही जब दूध जो बंद करेगी तो बहुत कम टाइम के लिए दूध बंद करेगी और उसको किसान को नुकसान कम होगा। यदि ड्राई पीरियड कम होगा तो किसान को कम नुकसान होता है उसको फ़ायदा होता है। तो वही ड्राई पीरियड यदि लंबा हो गया कि यदि गाय या जो भी पशु अपन चाहे भैंस हो जो भी रखे हैं ये वो खाएगी तो है लेकिन दूध नहीं देगी तो जो उसका फ़ायदा है वो उसमें उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें ये बराबर जब तक किसान करेंगे तो निश्चित ही इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और नज़दीकी जो भी पशु चिकित्सा संस्था होती हैं किसानों को वहाँ पर जाके अपने पशुओं के लिए यदि कोई समस्या आती है तो वहाँ से बराबर उन्हें सलाह लेनी चाहिए और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही उन्हें आगे अपने पशुपालन का काम करना चाहिए चाहे हम बकरी पालन हो मुर्गी पालन हो या जो भी है सुकर पालन है बतख पालन है आज तो बहुत फील्ड काफ़ी बढ़ा हुआ है तो इन सब में वो अच्छे काम कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि कुत्ते के काटने के अलग अलग वायरस फैल रहे हैं कभी किसी चीज़ से कभी किसी से तो इस सब को कैसे रोका जाए? देखो पहली बात तो ये है कि यदि जो स्ट्रे डॉग हैं एक तो लोगों को थोड़ा सा उनको अडॉप्ट भी करना चाहिए कि वो भी देखा जाए तो विदेशी जो डॉग होते हैं उनकी अपेक्षा इनमें बीमारी रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है और थोड़ा मजबूत भी होते हैं अपने देश में ये लोग तो इस तरह के पशुओं को जो आवारा हैं उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और उनको अपने साथ रखना चाहिए उनको पालना चाहिए। दूसरा काम है टीकाकरण का कि जो भी स्ट्रे डॉग घूम रहे हैं उनको अधिकांश को हमें टीका लगवा देना चाहिए यदि उनके मैक्सिमम वैक्सीनेटेड होंगे तो बीमारियाँ जो हो सकती हैं जो रेबीज की विशेषकर जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक नंबर एक बीमारी आज भी है तो इस तरह की बीमारियों पर भी रोक लग सकती है यदि हम उनको बराबर यदि उनको टीकाकरण करेंगे तो उनको अडॉप्ट करेंगे लोग उनको प्यार करेंगे तो इस तरह की जो घटनाएं जो काटने की हैं वो कम होंगी। जब कोई भी कुत्ता पालता है बिल्ली पालता है तो वो छोटा ही बच्चा लेके आता है हाँ। तो उसका क्या प्रोसेस होता है कि बहुत सारे बोलते हैं कि इसको इतने दिनों तक नहलाना नहीं चाहिए इतने दिनों तक इतनी मात्रा में खाना दे इसका क्या प्रोसेस होता है? देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब भी कोई डॉग पालते हैं
तो हमें नज़दीकी जो भी पशु चिकित्सक है उससे हम सलाह लें कि हमें कौन सा डॉग पालना है, कितनी उम्र का डॉग पालना है, जो डॉग हम पाल रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं है, यदि हम किसी हमारी आवश्यकता क्या है, किस तरह के डॉग की आवश्यकता है, यदि हमारा बड़ा घर है तो हमें उस तरह का अलग डॉग चाहिए होगा, यदि हम फ्लैट में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपकी एक आवश्यकता एक अलग हो जाएगी, तो उस तरह का ही हमें डॉग पालें। अच्छा स्वस्थ डॉग लेना चाहिए जो कि जिसको बीमारी ना हो कोई, इस तरह का डॉग लें, और नज़दीकी चिकित्सक से हमें पूरी सलाह लेनी चाहिए कि कब कब इसको डिवर्मिंग करना है, पेट के कीड़े की दवाई कितनी कितनी अंतर से देना है, छोटा बच्चा है तो उसको जल्दी जल्दी देना है, बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा गैप से देना है, कब कब उसका टीकाकरण करना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जानलेवा बीमारियाँ होती हैं, पारवो है, डिस्टेंपर है, लेप्टोस्पायरा है, इन सब के टीका लगते हैं, यदि हम टाइम से टीका लगा लेंगे तो इस तरह की जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं कि आदमी इलाज में परेशान हो जाता है वो नहीं होंगी। इसी प्रकार से जो बाहर की जो ब्रीड होती हैं उनमें टिक्स के कारण कई बीमारियाँ होती हैं, जैसे बबेशिया है, हीमोबोटनेला है, इक्लियोसिस है, तो यदि उनके यह भी हमें व्यवस्था करनी होगी कि महीने में एक बार ऐसी एंटी टिक दवा ज़रूर उनके लगाएँ कि उनके शरीर पर जू ना हो, जू किलनी नाशक दवाइयों का उनका उपयोग जरूर करते रहना चाहिए, वैक्सीनेशन करिए, और उनके जैसे ग्रूमिंग करना है रोजाना, उसको बॉडी ब्रश करना है, हफ्ते में एक दिन उसको बाथ देनी है, ये सब चीज़ों की जानकारी हम डॉक्टर से लेके और उसे यदि पालेंगे तो निश्चित ही हम अच्छे से उसको पाल पाएंगे, उससे हमें भी कोई बीमारियां नहीं होगी, हमें भी उससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी और वो भी स्वस्थ रहेगा। और दूसरे उससे इंटरेक्शन जरूर करना चाहिए, कई लोग पालते हैं तो लिया उन्होंने किसी कमरे में किसी केज में बंद कर दिया, उससे कोई मिलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है, तो इससे क्या वो चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर वो अटैकिंग हो जाता है, कई बार घर वालों को भी काट लेता है, तो उसके साथ इंटरेक्शन जरूरी है, उसको प्यार भी बहुत ज़रूरी है, यदि हम बराबर उससे प्यार करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उससे बातें करेंगे तो वो आपकी बात समझेगा और आपके हिसाब से वो एक्ट करेगा। तो निश्चित ही जब भी हम चाहे डॉग हो कैट हो इनको जब भी पालते हैं तो पूरी सलाह लेने के बाद ही पालें तो कहीं उसका पालना मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पेशे में आप फ्यूचर में क्या चेंजेस, क्या सुधार चाहते हैं? देखो अभी तो जो मूलभूत जो थंब रूल है हम सही मायने में देखा जाए तो वह भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये तो सोचना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा अपने देश में प्रदेश में कि क्या कारण है कि लोग गायों को खुला छोड़ देते हैं, क्यों अपने घर पे नहीं रखते, उसकी बेस में मतलब थंब मतलब जो उसकी जड़ में बात क्या है कि लोग अपने घर पर नहीं पाल रहे हैं। सरकार कितनी सुविधाएं देगी, कितनी गौशालाएं खोलेगी, जब हजारों लाखों गाय होंगी उनकी सरकार नहीं कर सकती, जनता को ही हमें अवेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो सुधार जो होना चाहिए, ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ अपनी सरकारी मीटिंगों में भी या वैसे भी, कि सबसे पहला काम होता है कि जो ब्रीडिंग के लिए हमें जो बुल जो छोड़े जाएँ वो अच्छे होना चाहिए। आज स्थिति ये हो गई है कि पहले तो लोगों को बुलक बनाने रहते थे तो कैस्टेट कराते थे, जो छोटे बछड़े होते थे उनको कैस्टेट कराते थे, अब लोगों ने कैस्टेशन कराना बंद कर दिया, तो उसकी स्थिति ये हो गई कि लाखों की संख्या में रोड पे आज जो है निकृष्ट टाइप के ऐसे बछड़े ऐसे सांड घूम रहे हैं जो कि नस्ल ख़राब कर रहे हैं। यदि उनका 100% कैस्टेशन नहीं किया जाएगा तो निश्चित ही सरकार कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कर ले, पशुओं की नस्ल सुधार नहीं हो सकती है, उनमें जो उन्नति होना चाहिए वो नहीं हो पा सकती। तो सबसे पहला थंब रूल यही है कि जहाँ पे भी हम उन्नति चाहते हैं गौवंश की, भैंस वंश की, बकरी की या जिस भी, तो वहाँ सबसे पहले आपको ब्रीडिंग पे ध्यान देना होगा, उसके निकृष्ट टाइप के जो सांड हैं उनको 100% 100% आपको उनको बढ़िया करना रहेगा, और उनके स्थान पर हमारे देश की बहुत अच्छी अच्छी नस्लें हैं, आप उनको छोड़िए, और उस क्षेत्र की जो अच्छी नस्ल हो सकती है उसको भी आप उनके सांड भी अच्छे अच्छे सांड छोड़िए, क्योंकि एक सांड जो होता है हाफ ऑफ दी हर्ड कहते हैं, एक पूरी हर्ड एक तरफ, गायों का बहुत बड़ा झुंड एक तरफ और एक सांड एक तरफ, मतलब उसके आधे गुण जाते हैं, किसी जो बछिया पैदा हो रही बछड़ा पैदा हो रहा है उसमें आधे गुण उस सांड के भी जाते हैं, तो यदि वो केवल इतना ही भर हम यदि अच्छे से कर दें, 100% कैस्टेशन करें, अच्छे सांड छोड़ें, या हम अच्छे नस्ल के सांड से AI कराएं, या फिर हम केवल सेक्स सॉर्टेड जो सीमन आते हैं केवल फीमेल के लिए या मेल के लिए जो भी अच्छा है वो करें, टॉप के सीमन यूज करें, या फिर हम ETT भी करा सकते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आजकल खूब हो रही है वो करा सकते हैं, तो उससे इतनी ज़्यादा उन्नति की गुंजाइश है
के जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है कि कितनी जिससे उन्नति होगी ये नहीं कह सकते। तो भविष्य हमारा बहुत अच्छा है, बशर्ते कि शासन को और जनता को, शासन को भी उस तरह से एक्शन लेना होगा और जनता को का सहयोग के बिना कुछ हो नहीं सकता है। जनता से बिल्कुल नीचे लेवल तक हमें सहयोग की आवश्यकता है कि यदि वो सहयोग करेंगे तो भविष्य हमारा बहुत अच्छा होगा और हमारे यहाँ की जो गाय है जो दुग्ध उत्पादन है बहुत अच्छा होगा। हम तो भगवान कृष्ण के देश के वासी हैं कि हमारे तो भगवान गौ माता की सेवा करते थे जो है, और हम जो है सेवा तो कर रहे हैं, तिलक तो लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम डंडा मार के गाय गौ माता को बाहर निकाल दे रहे हैं। उनकी जो उन्नति की जो बातें हैं, उन्नति के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। मतलब छोटी छोटी बातें हैं, जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ बछड़ा है उसको चीका पिलाना चाहिए समय से जो है, तो उसे बीमारी रोकने की अच्छी क्षमता डेवलप होगी। पता पड़ा कि हम जो चीका ही नहीं पिला रहे हैं उन्हें मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके डिवर्मिंग टाइम से करना चाहिए, उनमें दस्त की तकलीफ भी होती है, उनमें निमोनिया होता है, नाड़ा सही से काटना चाहिए, एक निश्चित लंबाई पर धागा बांध के साफ़ धागा बांध के साफ ब्लेड से काट के टिंचर वेन जॉइंट में उसको डुबो के, तो जिससे कि नेवल इनकी जो बीमारियाँ होती हैं छोटे बच्चों वो ना हो। तो हर चीज़ की एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, और जो कुरीतियाँ हैं या कोई कुरीतियाँ विकसित हो रही हैं तो उन पर भी लगाना चाहिए। डिपार्टमेंट का भी ये काम होता है और जनता का भी काम होता है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गौ सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, या ऐसे NGO हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पशुओं के पालन के क्षेत्र में, चाहे डॉग के लिए हो गाय के लिए हो, बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी एक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें सही से डिपार्टमेंटों के द्वारा उन्हें उन्नत ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तो कहीं वो आम जनता तक जो बात है जो उन्नति करना चाहिए उसके लिए वो उन तक पहुंचा सकते हैं। दूसरे डॉक्टर्स को भी, स्टाफ को भी, जो आज की आधुनिक जो सुविधाएं हैं उनकी जो प्रशिक्षण है वो सब उनको बराबर मिलते रहना चाहिए कंटिन्यूस। सरकार ने अब जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है, हाँ। तो इससे कितना फ़ायदा हुआ है? बहुत फ़ायदा हुआ है एम्बुलेंस से कम ये हो गया किसी को बहुत कम पैसों में उसके घर पे सेवा उपलब्ध हो जाती है, जिससे कि कम कीमत में जाके सरकारी गाड़ी जाती है, डॉक्टर जाते हैं, स्टाफ जाता है और उनके पशु का उनके द्वार पे उपचार संभव हो सकता है। ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं हमें 24 घंटे करना चाहिए, 24 घंटे। कभी भी हमारा पशु बीमार होता है गाँव में, दूर दराज कितनी भी दूर में, उसका विदिन 1-2 घंटे के अंदर ही उपचार हो जाए, ऐसी व्यवस्था उसको करनी चाहिए, उसको ऐसा परिवर्तन करना चाहिए तो कहीं उसका और ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपने देखा होगा सड़कों पे आवारा जानवर गाय घूमती रहती है, हाँ। और इससे कई जानवरों का एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो इस सब चीज़ों से कैसे बचा जाए या इनको कैसे बचाया जाए इनसे? बहुत मैंने अभी पहले भी इस मुद्दे पे मेरे को लगता है कि मैंने आपको बताया कि भाई सीधी सी बात है कि गाय रोड पे है क्यों, क्यों लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, उसका जो मूल कारण है जब तक हम उसका निदान नहीं करेंगे लोग गायों को छोड़ते रहेंगे रोड पर और एक्सीडेंट होते रहेंगे, दुर्घटनाएं होती रहेंगी और ये सब होता रहेगा। उसका मूल कारण जब तक हम निवारण नहीं करेंगे, हम केवल गौशालाएं खोलते रहने से ये समस्या हल हो ही नहीं सकती है। सरकार कितनी गौशालाएँ खोलेंगी, कितना फंड देंगे, भाई उस गाय को ये इस लायक बना दो कि कोई किसान छोड़े ही नहीं। आज भैंस को कोई क्यों नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि भैंस में जो नस्ल में जो उन्नति जो हुई है कहीं ज़्यादा हुई है गाय की अपेक्षा, क्योंकि भैंस में निकृष्ट टाइप की सांड इधर उधर नहीं घूम रहे हैं कि उसकी नस्ल ख़राब करें, तो इसलिए भैंसों में उन्नति हो रही है लेकिन गाय में नहीं हो रही। गाय के लिए उन्नति के लिए मतलब जो थंब रूल हैं, जब तक उनको अपनाएंगे नहीं तो रोड पर इसी तरह से गाय रहेंगी और कोई नहीं रोक सकता उनको। वो केवल एक ही एक तरीका है कि भैया निकृष्ट टाइप के सांडों का आप ज़्यादा से ज़्यादा 100% कैस्टेशन करें, उनकी जो ब्रीडिंग है वो बहुत अच्छी सांड से हो, ये करें, उनकी फीडिंग अच्छी करें। जब वो दूध ज़्यादा देगी तो कोई भी आप देखेंगे यदि उसकी अच्छी गाय है, ज़्यादा दूध देने वाली है, तो उसको कोई नहीं छोड़ता है, केवल उसी को छोड़ते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है कि एक आधा लीटर 1 लीटर दूध देगी, तो उन्हें खोल दिया कि जाओ बाहर चढ़ के आ जाओ और शाम को आके हम उसका दूध निकाल लेंगे बिना किसी लागत के। तो ये मानसिकता आदमी की बदलनी पड़ेगी, सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने को एजुकेट करना पड़ेगा, जब कहीं जाके इस समस्या से पार पाया जा सकता है। बताओ कहाँ तो जो लोग उनका भक्षण करते हैं उन्होंने तो कितनी उन्नति की, और जो हम लोग पूजा करते हैं गौ माता की, वास्तव में देख के कभी कभी बहुत दुख होता है
कि हम लोगों को जितना काम करना चाहिए, उनकी उन्नति जितनी करनी चाहिए थी, आज हम नहीं कर पाए हैं। ये तो एक ऐसी बात हो गई, जब आपके पास पशुओं की संख्या ज़्यादा है तो दुनिया में आप नंबर वन मिल्क प्रोडक्शन में हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होगी जब पर एनिमल हमारा प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा होगा, उस दिन हमारी गौ माता के लिए मतलब बहुत अच्छा होगा, और उस दिन ही हम अपने आप को सफल मानेंगे, तब तक हम सफल नहीं हैं। जो लोग बर्ड्स पालते हैं, हाँ, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप कि वो कैसे ख्याल रखें? बर्ड्स से मतलब आप लव बर्ड्स वगैरह से है, या चिड़ियों से या तोता से है, या आपकी मुर्गी वगैरह से? नहीं, बर्ड्स जो लव बर्ड्स पालते हैं, हाँ, या फिर तोता पालते हैं, हाँ, माउंटेन पैरट भी आजकल बहुत पाल रहे हैं। देखो, चिड़ियाँ जैसे हम पालते हैं तो सीधी सी बात है कि उनके लिए भी हमें ये देखना पड़ेगा कि पर्याप्त स्पेस हो, उनकी फीड क्या खिलाएं, इसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। उनमें बीमारियां कब क्या क्या हो सकती हैं, नज़दीकी डॉक्टर से हमें उसके लिए सलाह लेनी पड़ेगी। और यदि उनमें वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशन भी उनके कराए जाने चाहिए। हालांकि ये लव बर्ड्स वगैरह में वैक्सीनेशन अपने आप उपलब्ध नहीं है, जो मुर्गी वगैरह हैं उनमें होते हैं, और उनका भी ये है कि एक बड़ा ही शेड्यूल होता है कि इस एज पे आपको ये टीका देना है, इस एज पे ये टीका देना है, इस तरह से रहता है। तो और दूसरे बैलेंस फीड देना, डिवर्मिंग करना, ये सब चीज़ें तो सभी में लागू होती हैं कि यदि हम उनको पाल रहे हैं तो उनकी सफाई कैसे करें, यदि उनकी चोंच बड़ी हो रही है तो उसकी चोंच कैसे कैसे देखभाल करेंगे, तो उसके लिए डॉक्टर से जो सलाह है वो हमें बराबर लेनी चाहिए, जब कहीं जाके हम अच्छे से मतलब उनका पालन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर तोमर, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम पशुओं का ख्याल रखें, किस तरह की नई नई टेक्निक्स का यूज़ करें, और अपने इस बिज़नेस को कैसे ग्रो करें। ऐसी और भी खबरों के लिए नेशन मिरर को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।